नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। कप्तानगंज पुलिस ने एसपी अनुरागी आर के निर्देश पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म और असली वीडियो बनाने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना है 29 जुलाई 2022 की, जहां एक वादनी द्वारा थाना कप्तानगंज में मुकदमा पंजीकृत किया करवाया गया कि जिसकी पुत्री थी जो 17 वर्ष की बताई जा रही है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है, वो 2 जून को लगभग 12 बजे गायब थी और ना तो रिश्तेदार तथा संभव जगहों पर काफ़ी खोजबीन करने पर भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उसने बताया कि मेरी लड़की को दीपक पुत्र महोदय, जो टेम्पो ड्राइवर ग्राम गौरा थाना कप्तानगंज, अपने बड़े पिता बगेदु पुत्री जगदेव निवास निषाद और उनके लड़के को प्रेमचंद के सहयोग से उनके अपने फूफा कपिल के पिता अज्ञात ग्राम ओसर कुर्ता थाना महाराज ले गए, जहां उससे साजिश करके लोग दीपक के साथ कहीं गायब कर दिया था। उसके बाद से इसको उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसी मामले में पुलिस ने विवेचना कर मुकदमा पंजीकृत किया और विवेचना के दौरान इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में एसपी अनुराग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आया था, यहाँ से एक बच्ची को वहाँ बरेली में 85,000 रुपये में बेचा गया था, उसमें तीन गिरफ्तारी। क्या था पूरा मामला? पिछले वर्ष 29 जुलाई को जनपद में थाना कप्तानगंज में एक बच्ची की गुमशुदगी की तहरीर प्राप्त हुई थी, एक 17 वर्षीय बालिका जिसके गुमशुदा होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्काल FIR पंजीकृत की गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर किया गया, वहाँ एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई को बहुत डिटेल में करते हुए, बहुत साइंटिफिक तरीके से करते हुए बच्ची को बरामद किया गया फरवरी के माह में। और इससे संबंधित 2 अभियुक्त, जो सुभाष सिंह जो जनपद बरेली का रहने वाला है और सर्वेश सिंह जो जनपद बदायूं का रहने वाला है, इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दो लोगों से पूछताछ में सामने आया कि स्थानीय थाना कप्तानगंज अंतर्गत रहने वाले कुछ अभियुक्त और इनके साथ मिलकर पैसे के लेन देन की बात भी प्रकाश में आई। पूछताछ के आधार पर और जो बरामद पत्रता थी उनके बयान के आधार पर, इसमें धारा 363, 366, 504, 365, 367, 368, 370, 376 डी और 3/4 पॉक्सो एक्ट और 66D IT एक्ट की धाराओं का समावेश किया गया और इनको जेल भेजा गया। जो इसमें शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी विशेष टीम का गठन किया गया है। जो भी आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई होगी वो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी।